जय माता दी। अष्टमी पर्व की आपको शुभकामनाएं। आज सब लोगों ने अष्टमी पूज दी होगी, कुछ लोग नवमी का पूजन करने जा रहे हैं। अब नवरात्रि की बातों की श्रृंखला में ये जाने कि हम ज्वारे जो बोते हैं, जो लोग नवरात्रि के उद्यापन करते हैं, स्थापना करते हैं, तो ज्वारे बोते हैं, इसका क्या अर्थ में आप बच्चों को समझाएंगे? हाउ दिस कनेक्टेड विद द चाइल्ड, व्हाट मैसेज द ज्वारे का, एक गेहूं का, जौ का बोना और ज्वारों का आना और उसको समर्पित करना, पानी में डालना, वापस कुछ प्रसाद के रूप में रख लेना, इससे क्या संदेश निकलता है? क्या ऋषि मुनियों ने सोचा होगा? ये सोचा कभी इस बारे में? हमें चिंतन किया तो पता लगा कि आपका जीवन 9 माह का जो माँ के गर्भ में रहता है, जो बाहर आता है, उसी प्रकार वह 9 दिन की यात्रा एक बीज के रूप में समझाई गई है, कि वह बीज 2-3 दिन माँ जिस प्रकार धड़कन आती है, चौथे दिन हमारा स्कंद माता का दिन आता है, चौथे दिन वह ऊपर आने लगता है, ना जो जो के ज्वारे हैं थोड़े ऊपर आने लगते हैं और अष्टमी में नवमी तक लहला जाते हैं। ये जीवन का संदेश देते हैं कि जिसको प्यार करोगे, अपनाओगे, फलता फूलता देखोगे, उसको खत्म होना भी है। अपने आप से प्यार करो, प्रेम करो, पर ये ध्यानो शरीर अस्थिर है। तो यह यात्रा ज्वारे के माध्यम से उन्होंने करी। ये ज्वारे यह समझाया हमको कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि तरक्की उन्नति आएगी, ये समृद्धि की निशानी है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं आप जीवन से भी जोड़ के देना, कि जो चीज को हमने प्यार से पूजा करा, ये करा, पूरी पूजन करके आरती करते थे आप आखिर तक, और उसको विसर्जित किया, ये कहीं ना कहीं हमारे 10 दिन की गणेश जी की आराधना से भी जुड़ता है, कि गणेश जी की एक मूर्ति बनाते हैं और हम उसमें से जीवन, कान कैसे हो, आंख कैसे हो, वो गणेश की आभा देखकर वह सेंस ऑर्गन्स की अच्छी चीजें हम खुद ग्रहण करते हैं, हम खुद बड़े ज्यादा सुनने की कोशिश करते हैं, कम तीक्ष्णता से देखने की, कम बोलने की, बड़ा विजन लेकर, बड़ा पेट रखकर गणेश जी की 10 दिन में स्थापना करते हैं और 10 दिन में विसर्जित करके वह सब गुण लेते हैं। और उसके बाद आते हैं पितृपक्ष, जो कि आप अपने पितरों को करते करते देते हैं, और उनसे जो जीवन पाया 9 दिन का, 9 माह का, माता पिता से, तो 9 दिन का जीवन कैसा है वह ज्वारे आपको परिभाषित कर सकता है। गहराई से सोचेंगे, चिंतन करेंगे, जिससे ज्यादा प्यार करोगे उसको दूर जाना तय है। तो कोई भी इमोशन, कोई भी भावना अपने विवेक अवेयरनेस से हावी ज्यादा नहीं होने देना। सबसे बड़ा कोई है तो आपका विवेक, प्राण के मानना पिता, सब कुछ है, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। आज के दिन माता की ऊर्जा, उत्साह में रचनात्मक क्रिएटिविटी लेकर, बिलोंगिंगनेस लेकर, लव लेकर, ग्रेटिट्यूड लेकर, लव के साथ, अवेयरनेस के साथ आ गई है काल रात्रि के रूप में, और सिद्ध रात्रि के ऊपर में आएगी, और नवरात्रि करके परसों हम अपने शरीर पर, अपने डेविल पार्ट पर, हमारे एंजल पार्ट से करके हम दशहरा मनाएंगे। हम अपने अंदर के राम से अपने रावण के दहन करेंगे, अंदर के रावण का, और हम परसों दशहरा मनाएंगे। जय माता दी।